गुड आफ्टरनून नितिन सर। गुड आफ्टरनून मैम। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रेन द ट्रेनर 8 दिन का प्रोग्राम है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं सर और कैसा फील कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ लाइंस में जानना चाहूँगी। मॉर्निंग 5 to 12 o'clock पता नहीं चलता है कि कैसे बीत गया। इतनी सारी लर्निंग्स मिली हैं, साबत सर ने इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, कोई भी ट्रेनर मेरे ख्याल से इंडिया में तो नहीं सिखा सकता। जो उन्होंने फीलिंग्स दिलाई हैं यहाँ पे और जो एक्टिविटीज़ कराई हैं, 3 दिन के प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ हमने की थी, यहाँ पे जब हमने दूसरे अपने पार्टिसिपेंट्स को कराई तो वो जो एक ट्रेनर का फील आता है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। अभी भी जब हम लोग स्टेज पे गए और अब बोला हमने तो जो फीलिंग थी, अभी भी मैं वो सोचता हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। सर मैं और एक क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगी सर, जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है एक्स वाई जेड, आपका टाइम, आपका मनी, तो आपको क्या लगता है सर आपके लिए वर्थ था ये? मनी की तो मैम जो सर ने दिया है वो मनी से कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। वो मनी जो दिया है वो मनी से बढ़ के कहीं ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी सर कि आप देख रहे हैं साबत सर का जो ट्रेनिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक चलता रहता है, बाकी ट्रेनिंग्स भी आपने काफ़ी अटेंड की होगी सर, तो आपको क्या लगता है सर का जो ट्रेनिंग पैटर्न है ये जो 17-18 घंटे में आपको सर इसे क्या सिखाते हैं सर जो सबको अलग लगता है? सर वो फील दिलाते हैं एज अ ट्रेनिंग, एज अ ट्रेनर, क्योंकि हम अब ट्रेनर बनने जा रहे हैं तो अब सर वो फील दिलाते हैं कि बेटा देखो अभी तुम ट्रेनर बन गए हो, तुमको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बैठना है, वो सारी चीज़ें सर ने एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, इवन कि अगर आपके को कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो सर ने वो भी बताया कि उस प्रॉब्लम को तुम कैसे थोड़ी देर के लिए स्टेज पे हो और ये दूर कैसे करोगे, ये तक सर ने सिखाया है। तो जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स सर ने बताई हैं वो तो वो कोई नहीं दे सकता।